नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बना महिला आरक्षण बिल। लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हुआ। लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है बिल। विधानसभा चुनावों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। शिवराज सिंह ने कहा, इस बार भी प्रदेश में बनी सरकार तो हर घर को दूंगा एक नौकरी। चुनावी राज्यों को लेकर आज दिल्ली में हुआ बीजेपी का महामंथन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा महामंत्रियों के साथ बैठे। बैठक में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के प्रभारियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया। नीतीश को इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग पर जारी है सियासी घमासान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल बोले, किसी एक व्यक्ति को नहीं लोगों को सशक्त बनाना है। देश के 140 करोड़ लोगों को फील हो कि वो पीएम है। इंडिया गठबंधन से जुड़े रहने के सवाल पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन से अलग नहीं होगी। हम गठबंधन का धर्म निभाने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर वार। गिरिराज सिंह बोले, बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार बने सीएम। नीतीश सीएम हैं तो बीजेपी के एहसान मंद रहें। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस बोली, एमपी में महिला होना हो चुका है पाप। एमपी में 13 लाख महिलाएं लापता। सरकार को नहीं है महिलाओं की कोई भी सुध। महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मंशा पर सवाल खड़े किए। बीजेपी बोली, महिलाओं को राजनीतिक हथियार बना रही है कांग्रेस। साथ ही पूछा, इंडिया गठबंधन से महिला उत्पीड़न पर चुप क्यों है गठबंधन। मणिपुर में दो छात्रों की हत्या से गुस्साए भीड़ ने सीएम एन बीरेन के पैतृक आवास पर हमला करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने भीड़ को खदेड़ा। कल भी इम्फाल वेस्ट में डीसी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी। मणिपुर हिंसा को लेकर संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा। राउत बोले, मणिपुर के में हालात भयंकर। मणिपुर में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, डिफेंस सब फेल। 2024 के चुनावों के लिए आग लगा रही है सरकार। तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के विरोध में कन्नड़ समर्थकों और किसान संगठनों ने कर्नाटक बंद का ऐलान किया हुआ है। इसका मिला जुला असर दिखा। कई संगठनों का इस बंद को समर्थन हासिल। दिल्ली के भोगल में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले में खुलासा। दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 18.5 किलो सोना और 12.5 लाख की नकदी बरामद हुई। 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। टमाटर रखने का जहां शेड था वहां पर आग लगी। आग पर काबू पाया गया। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद की साइबर सेल में FIR दर्ज की गई। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकी दी थी। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सुर नरम पड़े। अब ट्रूडो ने भारत से अच्छे रिश्ते बनाए रखने की बात कही है। ट्रूडो बोले, दुनिया में बड़ी है भारत की धमक। साथ ही भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।